has a philosophy of life, everybody has a philosophy of, of, of his work, everybody has an explanation of how things work. And this is the secondary meaning, this is what I would like to explore with you today. Chairman Dr. Abdul Hafiz conference I must appreciate the role of Spelt. The Spelt is doing a tremendous job, there is no doubt in it. अजीज तलबा आइए आज आपकी मुलाकात स्टूडेंट कॉर्नर में डायरेक्टर रीजनल सर्विसेज जनाब अली असगर हसनैन साहब से कराते हैं मेरा नाम अली असगर हसनैन है मैं गुजश्ता 16 साल से डायरेक्ट्रेट ऑफ रीजनल सर्विसेज में खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और गुजा आठ साल से मैं इसके सरबराही के फाइज़ अंजाम दे रहा हूँ आज मैं तीन तालबा को खुश आमदेद कहता हूँ कि वो हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाईं और वो तलबा के मसाइल के बारे में कुछ सवाल जो उनके जहन में वो करना चाहेंगे मैं उनको दावत देता हूँ कि वह सवालत का आगाज़ करें सर अभी जो दाखिले हुए हैं उस सिलसिले में आ, मैं पूछना चाहूँगी कि उसकी किताबें हमें कब तक मौसू हो जाएंगी और ट्यूटर्स के इतला नामे हमें कब तक मिल जाएंगे और दूसरा ये कि अगर हमें ट्यूटर्स के इतला नामे नहीं मिलते हैं तो उस सूरत में हमें किस से रुजू करना चाहिए हाँ यूनिवर्सिटी का जो मुस्तकिल शडल है उसके मुताबिक जो स्टडी पीरियड है वो इन शसंबर से शुरू होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि नवंबर के आखिर तक या दिसंबर के शुरू तक लबा को जो नए दाखिले जिनके हुए हैं तमाम तलबा और तलबात को वो किताबें दिसंबर के पहले हफ्ते तक मौसू हो जाएंगी मेरा यह ख्याल है कि इसके साथ ही जो तलब और तलबात के एड्रेस हैं वो भीलाकई दफातर को रवाना कर दिए जाएंगे और इलाकई दफातर भी इन शाह तंद्रह दिसंबर तक ट्यूटर्स का तकरा को इतला कर देंगे जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जिन तलबा और तलबात को ट्यूटर्स के बारे में कवायफ से आगाही नहीं हुई या जिनको अपने ट्यूटर के बारे में मालूम नहीं हो सका कि उनका ट्यूटर कौन है अगर उनको दिसंबर के आखिर तक ट्यूटर के बारे में इतलात मौसूल ना हो तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो फौरी तौर पर अपने नज़दीक तरीन इलाकई दफ्तर से रबता करें और उनसे ट्यूटर के कोवै मालूम करें सर बात अवत हम अपनी इम्तिहानी मशकें ट्यूटर साहिबान को दस्ती जमा करवा देते हैं लेकिन ऐसी सूरत में हमें मशकें जो हमें वापस नहीं मिलती और हम फाइनल इम्तिहान भी दे देते हैं लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें हमारे मशकों के नंबर वो दर्ज नहीं होते तो ऐसी सूरत में सर हमें फिर क्या करना चाहिए यूनिवर्सिटी के दिए हुए शेड्यूल के मुताबिक ट्यूटर को मशकें पहुँचाना तालब की बुनियादी ज़िम्मेदारी है मैं गुज़ारिश करूँगा किलबा इस बात से गुरेज करें कि वो तलीमी अज्मा में या स्टडी से सेंटर में तो उनको अपनी मशकें दस्ती ना पहुँचाएँ बल्कि मुनासिब होगा कि वो वजीरा रजिस्ट्री या अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट सर्थ अपनी मशकें अपने मुतल ट्यूटर को रवाना करें ताकि वो उसकी जांच पड़ताल करके उनको वापस कर सकें लेकिन अगर उनको मश की आखिरी तारीख जो थी उसको रवाना करने के बावजूद पंद्रह दिन तक जाँच शुदा मश्क वाप, वापस न मिले तो मेरी गुजारिश है कि वो फौरी तौर पर उसके लिए याद दहानी के ख़त ट्यूटर को रवाना करें और उसकी कॉपी इलाकई दफ्तर को भी रवाना करें कि हमें ये पहली मश्क या दूसरी मश्क़ अभी तक मार्क होकर वापस नहीं मिली मिले दरअसल देखने में यह है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने असाइनमेंट को बजर रजिस्ट्री रवाना करते हैं और रजिस्ट्री की उस रसीद को ना तो ट्यूटर साहिबान मानते हैं और ना ही इलाकई दफ्तर वाले उनका कहना यह होता है कि इसका सबूत लेके कि क्या वाकई उसके अंदर हलशुदा मश्क मौजूद थी हाँ तलब इम जब भी किसी ट्यूटर को कोई डाक रवाना करेगा उसमें सिवाए मश्क और कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए चूँकिल का ट्यूटर से ज़ाती कोई ताल्लुक़ नहीं है सिवाए सरकारी हैसियत के तो जो जिस जो ट्यूटर इस किस्म के जवाब तलबा को देते हैं तलबा को चाहिए कि वो फौरी तौर तो पर उसकी शिकायत अपने इलाकई दफ्तर को भी करें इलाकई दफ्तर भी इस सिलसिले में उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि जिन तलबा और तलबात की मशकें अगर वो ट्यूटर तक नहीं पहुँच पाएँ तो उस सिलसिले में उनके मसाइल का फौरी तौर पर मदावा करें और कोशिश ये करें कि उन फ़ाइनल इम्तहान के पहले पहले उनकी मशकें तलबा से उसी ट्यूटर से मार कर वार कर और उसको रिज़ल्ट में शामिल करा दिया जाए सर कंप्यूटर साइंस और मैनेजमेंट साइंसेस के लिए यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ इलाकों में अप्रूव्ड स्टडी सेंटर्स बनाए हैं और उसमें अगचे तलबा हाज़िर भी होते हैं लेकिन उसके बावजूद उस उनको, उनको, उनको गैर हाजिर करार दे दिया जाता है और इसी तरह ये भी देखने में आया है कि वो सेंटर्स बाजार रिज़ल्ट नतज जो है वो भिजवाते ही नहीं या फिर तखिर से भिजवाते हैं तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगे तलबा की गैर हाजिरी की शिकायत पिछले दो सेमेस्टर से मौसू हो रही थी इस सिलसिले में हम लोगों ने अप्रूव्ड स्टडी सेंटर्स को बड़ी वाज हदयात जारी कर दी हैं और कि उनको उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो तमाम तलबा का हाज़िरी का रिकॉर्ड मुस्तकिल बुनियादों पर मेनटेन करें और उसकी पंद्रह रोज़ा कापी इलाकई दफ्तर को रवाना करें मैं तलबा और तलबात से गुजारिश करूँगा कि अगर उनको अपनी हाज़री के बारे में कोई भी शक हो तो या तो वो उसका रिकॉर्ड अप्रूव्ड स्टडी सेंटर से बजाते ख़ुद जा के चेक कर लें या अगर वो उससे इनकार करते हों तो नज़दीक तरीन इलाकई दफ्तर के पास आए और जो रीज अप्रूव स्टडी सेंटर की तरफ से जो हाज़री नमाय है उसमें अपनी हाज़री चेक कर सकते हैं जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, है कि बाज़ स्टडी सेंटर असाइनमेंट रिज़ल्ट नहीं भिजवा रहे हैं स्टडी सेंटरस को इलाकई दफातर को हमने अब अप्रूव्ड स्टडी सेंटर्स को यह हिदायत जारी कर दी है कि उनका फाइनल बिल उस वक्त तक क्लियर नहीं किया जाएगा कि जब तक के वो इलाकाई दफ्तर ये सर्टिफिकेट बिल के साथ मुंसलिक नहीं करेगा कि उनका असाइनमेंट रिज़ल्ट इलाकाई दफ्तर को मौसू हो चुका है साहब आपसे ये पूछना था कि जो हमारे स्टडी सेंटर्स और अप्रूव स्टडी सेंटर्स हैं या हमारे ट्यूटर साहिबान हैं इसके बारे में अगर कोई शिकायत हो इनके बारे में और हमारे इलाकाई दिफात वाले इसका अजारा ना करें तो इस सिलसिले में क्या आपसे बरह रास्त रहा हो सकता है जी हाँ ट्यूटर इलाकाई दफ्तर या अप्रूव स्टडी सेंटर के ख़िलाफ़ किसी भी शिकायत की सूरत में अगर उनकी तरफ से मुनासिब और तसली जवाब न मौसू हो तो आप फौरी तौर पर हम हमारे दफ्तर से राबता कर सकते हैं रबता करने के तीन जरिए हैं मैं टेलीफोन फैक्स और ई मेल एड्रेस आपको लिखवाता हूँ आपको बताता हूँ आप वो नोट कर लें ता, और मैं आपको ये यकीन दहानी कराता हूँ कि आप जो ही हमसे रबता करेंगे इन शाह तल आपको फ़ौरी तौर पर उसका हम आप आपको इसका जवाब देंगे मेरा जो दफ्तर का टेलीफोन नंबर है उस वो है ज़ीरो फाइव वन नाइन टू फाइव डबल ज़ीरो थ्री सिक्स फैक्स नंबर जो है वो ज़ीरो फाइव वन नाइन टू फाइव डबल ज़ीरो थ्री सेवन ई एड्रेस है drs@aiou.edu.pk मैं ईमेल एड्रेस फिर दोहराता हूँ डी आर एस एट ए आई यू डॉट ई डी यू डॉट पी के सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई की मैं भी आप तीनों का बेहद मशहूर हूँ कि आपने उन लाखों तलब और तलबात की जो यूनिवर्सिटी से वाबस्त हैं उनकी नुमाइंदगी की और चंद ऐसे बुनियादी सवाल किए जिनके जवाब आम तौर पर लबात के तलबा और तलबात के जहन में रहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप के जरिए और इस प्रोग्राम के ज़रिए तलबा और तलबात तक ये बुनियादी सवालत और इनके बारे में जो जवाब दिए गए उससे उनको रहनमाई मिलेगी और वो इसके मुताबिक ही आइंदा अपने तलीमी पीरियड के दौरान इससे फ़ायदा उठाएँगे आप तीनों का बेहद शक्रिया इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है अपनी मेज़बान रब मलिक को इजाजत दीजिए अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे कुछ नई अपडेट्स और कुछ नई मालूम के साथ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज